भाई ईरान तो वेदर खराब हो चुका है यहाँ का और फेरीज सब कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट 5-6 डेज कुछ भी फेरीज नहीं जा रही यहाँ से, पैसेंजर फेरीज वेसल तो जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ना रिस्क नहीं है, वो पैसेंजर पे रिस्क है। तो अपनी बाइक अभी वेसल से जा रही है तो इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है, दुनिया घूम के आया बट ईरान जैसा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं देखा। तो अभी ईस्ट काउंटर वो ऑफिस जाना है, वो बिल्डिंग में इतने सारे बिल्डिंग सुबह से कर रहा हूँ, 4-5 घंटे हो गए। तो ये देखो यहाँ पे सब बाइक्स 4 व्हीलर्स खड़े हैं और अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी है। सब प्रोसेस तो अभी तो हो चुकी है और ड्रोन का प्रॉब्लम है, ड्रोन तो यहाँ से यहाँ जाना सिक्योर नहीं है और फ्लाइट में अलाउ नहीं कर रही है लोग, ये तो अब देखेंगे कैसे करता हूँ मैं, तो कैसे तो भेजना पड़ेगा ड्रोन दुबई। और कल की मेरी फ्लाइट है और आज ये सब जाएगा डॉक्यूमेंट ईरान का कस्टम के, बहुत डिफिकल्ट है, एजेंट लेना ही पड़ता है। मैंने एजेंट लिया, उसको $100 दिए बट एजेंट के साथ पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है और बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है यार। ईरान का अलग चलता है और पूरी दुनिया एक तरफ और ईरान का कस्टम क्लियरेंस एक तरफ, लोग बहुत अच्छे हैं, बस प्यार बहुत मिलता है, बाकी काम के लिए ब्यूरोक्रेसी यार बहुत डिफिकल्ट है। तो अभी चल रहा है प्रोसेस, देखते हैं कैसा होता है, निपटता है यार, बहुत डिफिकल्ट चल रहा है और उसमें बैड वेदर बारिश चल रही है इधर उधर, चेरी ऑन द टॉप एडवेंचर तो बहुत हो चुका है बट भाई इसलिए तो घर से बाहर निकला हूँ मैं ये सब फेस करने के लिए, तो मजा आ रहा है। चलो